Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with a new video. In this video we are going to discuss a sample practice paper for class 11 computer science with python code 083 for term 1 2023-24 exams. And this paper has been prepared with the sample questions based upon the following chapters: computer system organization, introduction to problem solving, getting started with Python, Python fundamentals, data handling, flow of control, strings, list manipulation and tuple. So let us understand the pattern of the paper and the type of questions which we have covered in this paper. So here we are having the duration of this paper will be 3 hours and the maximum marks is covered is 70. And here we are having some general instructions. The question paper has total 35 questions, which are divided into 5 sections A, B, C, D and E. Section A consists of 1 mark questions, 18 questions. Section B consists of 7 questions of 2 marks each. Section C consists of 5 questions of 3 marks each. Section D consists of 2 questions of 4 marks each. And section E consists of 3 questions of 5 marks each. All the programming questions are to be answered in the Python programming language only. So first of all, we'll move on to the section A, which has mostly the MCQs questions and then some assertion reason based and some fill-ups. So when we talk about the first question, it says state true or false. Hardware is a set of instructions called programs that the computer uses to carry out tasks, while software are the parts of computer which you can see and touch, known as peripherals. It is saying ki set of instructions jinhe hum program kehte hain, that is a hardware jiski help se hum koi bhi kaam karte hain, and जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिन्हें हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं. बट द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ये उल्टा लिखा गया है. हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दे आर द प्रोग्राम्स दैट द कंप्यूटर यूजेस टू कैरी आउट द टास्क. सो अकॉर्डिंगली द फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर टू, अ डिस्क फ्रेगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नन ऑफ दीज. डिस्क फ्रेगमेंटर का काम है आपके डिस्क में जो भी डेटा है, मेमोरी स्पेस, जो भी मेमोरी एलोकेटेड है, उसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना. और डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे प्लेस करता है. तो डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, या आपका और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स रहते हैं एंड दे कम अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो दैट इज़ वाई दे आर द डिस्क फ्रेगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम बाय चेकिंग द वेरिएबल वैल्यूज आफ्टर एवरी स्टेप विदाउट एक्चुअली रनिंग द प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम के एल्गोरिदम को चेक करना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, बाय चेकिंग द वेरिएबल वैल्यूज आफ्टर एवरी स्टेप, मतलब उन्हें पुट करके देखना विद द पेन एंड पेपर विदाउट एक्चुअली रनिंग द प्रोग्राम, और उसे सिस्टम पर रन ना करना, माइंड में करना या पेन एंड पेपर पर करके देखना, दैट इज नोन एज नो एग्जीक्यूशन, ड्राई आउटपुट, ड्राई रन और ड्राई टेस्ट. सो दैट इज नोन एज ड्राई रन. जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो चेक करते हैं कि वो प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन बिना रन किए हुए जब हम अपने माइंड में उसकी कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम अपने पेन और पेपर की हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज ड्राई रन. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर सेज विच शेप रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में डिसीजन कौन रिप्रेजेंट करता है? डायमंड, रेक्टेंगल, ओवल और नन ऑफ दीज. तो फ्लो चार्ट में जब भी आपको डिसीजन को रेफर करना होता है, वी मेक यूज ऑफ डायमंड. सो द आंसर विल बी डायमंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, यू डोंट हैव टू पे फॉर पाइथन एंड यू कैन व्यू इट्स सोर्स कोड टू, इट मीन्स पाइथन इज डैश. आपको पाइथन लैंग्वेज के लिए कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती और आप इसके सोर्स कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं. तो इसको, इसके लिए इसकी कौन सी फीचर रहेगी? फ्री एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, फ्री वेयर और शेयर वेयर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्री एंड ओपन सोर्स. फ्री मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है, और ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स कोड ईजिली अवेलेबल है. सो द आंसर हेयर इज फ्री एंड ओपन सोर्स, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, the dash mode of python gives instant result of the typed statement. You know that python ke andar do type ke modes hote hain, interactive mode and script mode. to kaun sa aisa mode hai jo hame immediate output deta hai?
interactive mode, combination of both, script mode, or all of these? Of course, the answer will be interactive mode. That is A answer, 6th ka A part. Theek hai? 7th question. To print a line, a text without ending it with a new line, a dash argument is used with print. अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और आप एक लाइन प्रिंट करा रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो एंड ना हो न्यू लाइन पे, तो उस केस में आप प्रिंट में कौन से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं? सेपरेटर, न्यू लाइन, एंड और नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एंड, कि हमने जो स्टेटमेंट लिखी वो फर्स्ट लाइन में आई, उसके बाद हमने एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस या जितने भी कैरेक्टर्स का हम स्पेस देना चाहते हैं वो दे दिया, उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो फर्स्ट लाइन के ख़त्म होने के बाद वहीं से कंटिन्यू हो. ठीक है, तो टेक्स्ट को एंड नहीं करना, उसी लाइन में कंटिन्यू करना है, इसलिए हमारे पास क्या है? एंड स्टेटमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड आइडेंटिफायर्स? वैलिड आइडेंटिफायर्स आपको बताने हैं माई स्पेस नेम, अंडर स्कोर माई नेम, माई अंडर स्कोर नेम, या फिर माई हाइफन नेम. As you know about the rules of identifier students, कि जो हमारे identifiers होते हैं उसमें सिर्फ special symbol hyphen allowed है, space या और कोई भी character allowed नहीं है. तो इसके according हमारा answer बनेगा C part, underscore my name. So the answer will be 8th का C part, underscore my name. यहाँ पे हमारे पास hyphen या dot अगर जो भी है तो वो allowed नहीं है, that is why B part इसका answer नहीं हो सकता. ठीक है, question number 9. In the Python statement, x equals to a plus 5 minus b, b and a are dash, x equals to a plus 5 minus b. इसमें a और b क्या है? Operands, expression, operators और equation. तो a and b students हमारे पास क्या है? They are the operands. ये हमने बाकी chapters में भी पढ़ा है कि जो plus minus multiply divide या और भी कोई symbol होता है वो operators होते हैं, और जिनके ऊपर वर्क किया जाता है ए बी सी डी एक्स वाई जी, वो आपके क्या होते हैं? ऑपरेंड्स. सो हेयर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, प्लस माइनस आपसे पूछा जाए तो दे आर द ऑपरेटर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉल्स और फॉल्स इज, वन इज द फॉल्स जिसमें एफ ए एल एस सी लिखा हुआ है कोट्स में, यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये जो फॉल्स लिखा हुआ है इसमें एफ कैपिटल है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है. इट मीन्स आपकी कैसी वैल्यू है? बूलियन वैल्यू है. अब हमारे पास बीच में यहाँ पे लगा हुआ है और इस फॉल्स का तो आंसर क्या होगा? ज़ीरो होगा. और यहाँ पे हमारे पास आया फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे है फॉल्स, तो फॉल्स और ज़ीरो, ज़ीरो या फिर आप सिंपली इसको फॉल्स मान के चलो, तो और के केस में अगर पहला आपका ट्रू है तो वही आंसर माना जाता है. तो ये जो फॉल्स है वो ट्रू इस तरह से है क्योंकि इसमें क्या लगी है? कोट्स लगी है. तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, कुछ ना कुछ है आपकी स्ट्रिंग, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज सी पार्ट, दैट इज फॉल्स. ठीक है, अगर ये हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक फॉल्स और फॉल्स है, ठीक है, इसमें अगर एंड होता तो हमारा आंसर ये एफ ए एल एस सी एफ कैपिटल वाला फॉल्स होता. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 says, consider the loop given below. How many times will this loop run? ये एक हमारे सामने for loop है, ये कितनी बार run करेगा? For i in range 10, 5, minus 3, print i. तो starting value is 10, ending value is 5, and the gap is of minus 3. So for i in range, the first value of i is 10, it says print i. So what will be printed? 10. नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू में से 3 माइनस हो जाएगा जो करंट वैल्यू है, तो 10 माइनस 3 आपका कितना हो गया? 7. प्रिंट i किया, आंसर आया 7. फिर अब दोबारा से माइनस 3 करेंगे तो 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4. लेकिन 4 तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इस केस में हमारी जितनी रेंज थी एंडिंग वैल्यू 5 थी और 5 से पहले तक हमें लेना था, दैट इज स्टिल 6. 10, 9, 8, 7, 6 यहाँ तक हमारा आंसर आ सकता है जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन क्योंकि आप 7 में से 3 माइनस करने पे वी आर गेटिंग 4, सो दैट इज़ वाई ये लूप रन नहीं होगा और यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. तो लूप हमारा कितने बार रन हुआ? इट हैज़ रन फॉर 2 टाइम्स, दैट इज़ वाई द आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 2. ठीक है, सी पार्ट, दैट इज 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अ डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद. कौन सी स्टेटमेंट
उस लूप को टर्मिनेट कर देती है जिसमें वो होती है. ब्रेक, जंप, कॉन्टिन्यू और नन ऑफ दीज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रेक स्टेटमेंट. किसी भी लूप में जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आती है, तो जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट होती है वहाँ पे वो उस लूप को टर्मिनेट कर देती है, मतलब स्टॉप कर देती है और उस लूप से बाहर आ जाती है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द पार्टीशन फंक्शन रिजल्ट इज ऑलवेज अ थ्री एलिमेंट टपल. जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसका आंसर हमेशा एक टपल की फॉर्म में आता है एंड उसकी लेंथ हमेशा थ्री होती है. येस, दिस इज राइट, बिकॉज पार्टीशन और स्प्लिट दोनों हमारे कैसे फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, और हमेशा इसका आंसर जो है वो लेंथ थ्री में आएगा एंड इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक स्ट्रिंग है, हमने कहा वेलकम टू पाइथन, हमने कहा डॉट पार्टीशन, और हमने इसका पार्टीशन किया ई पे, ये यहाँ पे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई दे दिया. तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो आएगी, उससे पहले का पार्ट और उसके बाद वाला पार्ट, एंड आंसर में हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं. सो दैट इज अ टपल, दैट इज वाई इट विल गिव अस द आंसर इन द फॉर्म ऑफ थ्री एलिमेंट टपल. ठीक है. और स्प्लिट फंक्शन जो होता है वो हमें किस पे देता है, वो हमें लिस्ट की फॉर्म में आंसर देता है, और आंसर में हमेशा थ्री एलिमेंट्स नहीं होते, थ्री से ज़्यादा, थ्री से कम, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी बार वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिवाइड हो रही है. तो यहाँ पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूछा गया था, दैट इज वाई द आंसर विल बी ट्रू. ठीक है, 13th क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 14, विच मैथड शुड बी यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन टू पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन. पहली वाली स्ट्रिंग में पाइथन का पी कैपिटल है, बाकी सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर स्मॉल है, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में हमारे पूरी स्ट्रिंग में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. तो इसके लिए हम स्ट्रिंग के कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे, कैपिटलाइज, टाइटल, इस टाइटल या फिर अपर. तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पाइथन आइडियली पे, एंड यहाँ पे हम एक सिंपल सा कोई और एग्जांपल लेके चेकआउट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, हमने इस पे लगाया टाइटल फंक्शन. तो टाइटल फंक्शन क्या करता है, हमारे हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है. सो इट विल गिव अस हेलो का एच कैपिटल, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल. तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा, दैट इज द टाइटल फंक्शन. 14th क्वेश्चन, सी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डैश फंक्शन सॉर्ट्स अ लिस्ट एंड मेक चेंजेस इन द लिस्ट. कौन सा फंक्शन एक लिस्ट को सॉर्ट करता है, यानी कि उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स को अरेंज करता है. तो वैसे तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं सॉर्टिंग के लिए, एक होता है सॉर्ट और दूसरा होता है सॉर्टेड. लेकिन सॉर्ट फंक्शन आपकी ओरिजिनल लिस्ट पे काम करता है और सॉर्टेड फंक्शन आपकी लिस्ट की कॉपी पे काम करता है. दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सॉर्ट फंक्शन. 15th क्वेश्चन, द आंसर इज सॉर्ट फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. हमारे सामने एक टपल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 50, 70. नाउ प्रिंट टी ऑफ 5 ऑफ -1. तो दिस इज माई स्टार्टिंग वैल्यू विच इज 5 एंड एंडिंग पोजिशन इज -1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 इज माई स्टार्टिंग पोजिशन एंड -1 इज माई एंडिंग पोजिशन. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर टपल की स्लाइसिंग में क्या बनेगा. तो हम कहाँ तक लेते हैं, एंडिंग वैल्यू से एक कम तक लेते हैं. एंडिंग वैल्यू जो है -1 पोजिशन पे, दैट इज 70, उससे एक पहले तक लेंगे विच इज 50. ठीक है, लेकिन टपल जब स्लाइसिंग करते हैं टपल में, तो आउटपुट भी हमेशा हमारा टपल की फॉर्म में आता है, और सिंगल एलिमेंट कभी भी इंटीजर फॉर्म में नहीं लेते, उसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, टपल की फॉर्म में. तो हमारे पास आंसर 50 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉमा भी आएगा साथ. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज 16 का डी हुआ 50 कॉमा इन द फॉर्म ऑफ टपल. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, दीज आर द एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसमें चार ऑप्शंस हैं, एजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू.
तो assertion है कि tuples are similar to the list. क्या tuples list से similar हैं, list के जैसे हैं? कुछ cases में तो है, लेकिन ये चीज़ पूरी ठीक नहीं है. Because tuples हमारे immutable हैं, हम tuple में changes नहीं कर सकते, whereas हम list में changes कर सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में tuples are similar to list, ये तो हमारा हो गया false. ठीक है, और उसके बाद हमारा reason है, tuples are similar to list in indexing, slices and accessing elements, but not in mutability. मतलब जो हमारे tuples हैं वो list से similar कैसे हैं? List के जैसे ही हम उसमें indexing कर सकते हैं, slicing कर सकते हैं और elements को access कर सकते हैं, but वो mutable नहीं है. तो ये चीज़ हमारी ठीक है, that is assertion is false, but reason is true. तो इसके according हमारा answer बनेगा D option, that is 17 का हो गया D part. Assertion is false but reason is true. अब question number 18 भी हमारा assertion reason based question है, इस पे आते हैं. It says a list slice is an extracted part of a list. जो list का slice है वो हमारी एक पूरी list का extracted part ही है, उसमें से निकाला गया part ही है. This is true. Reason says a list slice is a list in itself. जो list slice है वो अपने आप में एक list है. Yes, जो list slice हमारे पास आई है वो list ही है अपने आप में. Yes. So both are true and R is the correct explanation of A. So the answer here will be 18th question A part. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation for A. Okay. Now we move on to section number B. Section B पे move on करते हैं. And these are the answers for the section B. Now we are having some theoretical and some output based questions. Question number 19. What is the difference between RAM and ROM? See, RAM and ROM, this question is from the chapter Computer System Organization. तो 2 marks के question में जब भी difference आए, make sure कि आप उसमें एक line draw करें. Left and right side में आप इस तरह से लिखें और जो भी आपसे कोई abbreviation पूछी गई है उसकी full form आप difference में ना लिख के bracket है आप ऊपर ही दे दें. जिस तरह से RAM का हमने लिखा random access memory and ROM stands for read only memory. ठीक है, now RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स हम इसके अंदर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. लेकिन रोम जो है दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स उसमें हम सिर्फ रीडिंग ही कर सकते हैं, ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना उसमें हम राइटिंग कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज रैम जो है दैट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि अगर जो जो हमारी, अगर मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर पे ऊपर काम कर रहे हैं, आपने एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ लिखा आर नेशनल फ्लैग पे, और जब आप उस एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो मेमोरी चाहिए दैट इज़ रैम. अगर मान लीजिए आपने उस फाइल को सेव नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी गेट्स स्विच्ड ऑफ, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द कंटेंट्स विल बी लॉस्ट. बट इन केस ऑफ रोम व्हाट विल हैपन? The contents will not be lost even if the electricity goes off. Because ROM के अंदर क्या है? Operating system की instructions हैं. तो RAM जो है it is a volatile memory. The contents are lost when the electricity goes off. But जो ROM है वो एक non-volatile memory है. The contents remain as it is when the power is switched off. ठीक है, उसके बाद है किसी भी software को run करने के लिए हमें क्या चाहिए? RAM चाहिए. लेकिन जो रोम है वो किस लिए चाहिए? हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए चाहिए, टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द फाइल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट. ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो रैम होती है वो रोम से एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो रोम है दैट इज़ चीपर वैन कम्पेयर टू रैम. सो दीज आर द 4 डिफरेंसेज बिटवीन रैम एंड रोम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 का और पार्ट. वट इज कैश मेमोरी? वाई इट इज कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स इंफॉर्मेशन? कैश मेमोरी क्यों है और माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के लिए वाई इट इज क्रूशियल? बेसिकली कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है. ठीक है, तो ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है जो बार बार सीपीयू को चाहिए होता है. हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में क्या है हमारे पास? कैश मेमोरी, वेरी हाई स्पीड मेमोरी जिससे सीपीयू डेटा ले सकता है और उसे बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता. बिकॉज कैश मेमोरी क्या करती है?
ऐसा डेटा जो हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं वो कैश मेमोरी उसको अपने पास स्टोर कर लेती है। तो इससे सीपीयू का मेन मेमोरी के पास जाने का टाइम बच जाता है, फास्टर एक्सेस हो जाता है और आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली एक्ट एज अ बफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू एंड इट सिंक्रोनाइज़ेस विद द स्पीड ऑफ द सीपीयू। ठीक है, तो आपका टाइम सेव हो गया और आपका टाइम एक्सेस करने का जो था डेटा को वो कम हो गया, इसलिए आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरएक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन। पाइथन में हम दो मोड में काम करते हैं आइडियली, में इंटरएक्टिव में और स्क्रिप्ट मोड में। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अभी आपने यहाँ देखा ये हमारा इंटरैक्ट, ये स्क्रिप्ट मोड है और ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन के तीन सिंबल हैं इट इज़ अ प्रॉम्प्ट, लेकिन वो स्क्रिप्ट मोड में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव मोड में पाइथन के प्रॉम्प्ट हैं बट स्क्रिप्ट मोड में नहीं है। इंटरैक्टिव मोड हमें इमिडिएट आउटपुट देता है बट स्क्रिप्ट मोड में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी नीड टू सेव द प्रोग्राम एंड सेव करने के बाद हम उसे रन करते हैं, उसके बाद आउटपुट आता है। ठीक है, तो शॉर्ट प्रोग्राम्स करने हो तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड, और बड़े प्रोग्राम्स करने हो तो उसके लिए प्रेफरेबल है कि हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करें। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड में हम सेव नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम को, ना ही उसमें वापस से चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने फोर लूप का कोई प्रोग्राम लिखा 2 लाइन्स का, अब मुझे मान लीजिए उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को चेंज करना, तो मैं उसी कोड में चेंज नहीं कर सकती। आई नीड टू राइट द प्रोग्राम अगेन एंड देन आई नीड टू रन इट। बट स्क्रिप्ट मोड में हम उसी प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। प्रिडिक्ट द आउटपुट। ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10, 20, 30। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 30 एंड पी क्यू आर इज सी माइनस 5, ए प्लस 3 एंड बी माइनस 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ और आप भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रफ में ऐसे लिख लीजिए पी क्यू आर। पी इज वॉट, सी माइनस 5, सी इज 30, 30 माइनस 5 इज 25। क्यू इज वॉट, ए प्लस 3, ए इज 10, 10 प्लस 3 इज 30। देन बी माइनस 4 इज आर, बी इज 20, 20 माइनस 4 इज 16। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, 25, 13, 16 पी क्यू आर की वैल्यूज होगी। लेकिन आंसर हमें कैसे लिखना है, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। तो ए बी सी ये जो है ये एज इट इज लिखा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन ए कॉमा बी कॉमा सी मीन्स द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी और कॉमा के प्लेस पे स्पेस 10, 20, 30 ये आ गया इस तरह से। फिर है एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब हमारा कर्सर सेम लाइन में है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें एक भी स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होता तो ये जो नेक्स्ट लाइन है पी क्यू आर, ये जो लिखा हुआ है इसमें एक कैरेक्टर का गैप आता, लेकिन स्पेस नहीं है तो हमने पी क्यू आर लिखा। फिर पी कॉमा क्यू कॉमा आर इनकी वैल्यूज ली, दैट इज वैल्यूज क्या है 25, 13 एंड 16। तो ये हमने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे और कॉमा के प्लेस पे आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, स्पेस आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर आउटपुट विल कम। इसी के और पार्ट पे अगर हम आए, x इज 40, y इज x प्लस 1, सो y बन गया 40 प्लस 1 दैट इज 41 एंड x इज 20 कॉमा y प्लस x, यानी कि अब इसके अंदर दो वैल्यूज है, एक तो 20 है और एक y प्लस x, y इज 41 प्लस 40 दैट इज 81। ठीक है, तो x के अंदर स्टूडेंट्स अब दो वैल्यूज हैं 20, 81, तो ये टपल की फॉर्म में हो जाएंगी और कॉमा, तो इस कॉमा के प्लेस पे स्पेस आएगा और फिर है y, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 41। तो हमारे पास आंसर आया 20, 81 स्पेस 41। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर ऑफ सेकंड्स एंड प्रिंट्स इट इन द फॉर्म मिनट्स एंड सेकंड्स। एग्जांपल, अगर 200 सेकंड्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो हमें यूज़र से क्या लेना है, नंबर ऑफ सेकंड्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र से नंबर ऑफ सेकंड्स ले लेते हैं, SEC ले लिया।
ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमें सेकेंड्स को मिनट और सेकेंड्स में चेंज करना है, तो मिनट्स एम ले लिया वेरिएबल, एम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एस ई सी फ्लोर डिवीजन 60। मान लो अगर मैं 70, जैसे मान लो 200 लिया मैंने, तो 200 फ्लोर डिवीजन अगर हम 60 करें तो कितना बनेगा हमारा, 200 फ्लोर डिवीजन 60। इसके लिए हम पाइथन पे जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 200 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और 60, 3 आ गया, तो ये हमारे मिनट्स आ गए। तो ये मिनट्स हमारे किस में सेव हो गए, एम के अंदर। ये हल्का सा यहाँ जो एम आई एन एस और ये लिखा हुआ है, इसको हम एस ई सी कर देंगे, ठीक है। तो एम के अंदर आ गया 3 यहाँ से, और एस जो है वो यहाँ पे भी आप एस ई सी कर देंगे इसको, दैट इज़ मॉडुलस 60। अब अगर हम यहाँ से पाइथन पे जाएं और 200 जो हमने सेकंड्स यूज़र से लिए थे, 200 मॉडुलस 60 कर दें, तो ये हमें क्या देगा, वेट अ सेकेंड, we say here 200 modulus 60, so it will give us the answer as 20, क्योंकि 63 is 180 और 20 is the remainder। तो अगर हम 200 seconds को minutes और seconds में change करें तो हमारे पास answer आ जाएगा 3 minutes and 20 seconds, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया हुआ 74, यहाँ पर हम इसे change करेंगे this, this, this and this, यहाँ हम इसे SEC कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप सेकंड्स डालेंगे सपोज 74, और आप जब 74 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना बनेगा, फ्लोर डिवीजन के अकॉर्डिंग 1 बनेगा, और बचा कितना 74 में से 60 को माइनस करने पे 14, तो हमारा आंसर आएगा 1 मिनट एंड 14 सेकंड्स, ठीक है। इस तरह से आपको कोडिंग का प्रोग्राम करना है, राइट। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वॉट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, प्रिंट 1, 2 रेप्लिकेशन ऑपरेटर 2। तो ये जो 1 है ये तो आपका एज इट इज प्रिंट हो गया, और 2 जो है TWO 2, दिस इज अ स्ट्रिंग, रेप्लिकेशन ऑपरेटर 2, यानी कि ये स्ट्रिंग कितनी बार आनी चाहिए, 2 टाइम्स। और ये जो कोमा है इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, स्पेस। तो 1 स्पेस 2 2, दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट। और ये है 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये 1, और ये जो है दिस इज माय कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो जब TWO 2 स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 टाइम्स TWO TWO दिखाएगा, और ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है तो इसमें ज्वाइन हो जाएगा। कॉमा के प्लेस पे तो स्पेस होता है, लेकिन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर करने पे ज्वाइन हो जाता है विदाउट एनी स्पेस। तो इसका आंसर आया 1 2 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और पार्ट है, और पार्ट सेज सजेस्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग टास्क। अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारी स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है, तो कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इज डिजिट। और अगर हमें स्ट्रिंग के सारे लेटर्स को कैपिटलाइज करना हो, कैपिटल करना हो, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, अपर फंक्शन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है 1, 2, 3 dot इस डिजिट, तो इसमें सारे डिजिट्स हैं या नहीं है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन अगर मैं कह दूं ए बी सी 1, 2, 3 डॉट इस डिजिट, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, उस केस में आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल करना है तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द फंक्शन अपर, ए बी सी डॉट अपर। तो वॉट इट विल गिव अस, इट विल गिव अस ऑल द लेटर्स इन द कैपिटल। तो चेक करना हो कि सारे डिजिट्स हैं या नहीं है, उसके लिए इज डिजिट फंक्शन, और सबको कैपिटल लेटर में चेंज करना हो तो अपर फंक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन हैं, इसमें हम सेक्शन बी के 24th क्वेश्चन पे हैं।
राइट अ प्रोग्राम दैट रिवर्सेस अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, हम लिस्ट यूज़र से भी ले सकते हैं और हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कराना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यूज़र से एक लिस्ट ले ली, कैसे, एल इज इक्वल टू ईवल इनपुट एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ईवल फंक्शन लगाया और लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है तो हमारे पास डायरेक्ट एक फंक्शन है रिवर्स फंक्शन, हमने कहा एल डॉट रिवर्स, प्रिंट लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर इज एल, बस रिवर्स हो के आ गई। और आप इसमें स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो एल कॉलन, देन यू कैन पुट अ कॉलन लाइक दिस कॉलन, देन अगेन अ कॉलन, देन यू कैन गिव द गैप एज माइनस वन, तो माइनस वन से रीड करना स्टार्ट करेगा पीछे से और एक एक करके आपकी स्टार्टिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो यू कैन यूज द फंक्शन हेयर ऑल्सो एंड यू कैन स्टार्ट यूज द लिस्ट स्लाइसिंग ऑल्सो फॉर दिस पर्पज। तो हमने इसे फंक्शन से कर दिया, ये आउटपुट भी है इसका, 3, 4, 5, 6 लिस्ट ली, जब रिवर्स फंक्शन लगाया तो 6, 4, 5, 3 हमारा 6, 5, 4, 3 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसी के और में एक और प्रोग्राम है टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट, हमारी लिस्ट में वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है ये हमें चेक करना है। तो पहले तो यूजर से लिस्ट ही लेंगे, ईवल इनपुट एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स, फिर वो एलिमेंट लेंगे जो हमें चेक करना है। तो हमने कहा ई इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स, ठीक है। अब लिस्ट में जब भी आपको ये काउंट करना हो कि वो एलिमेंट हमारे लिस्ट में कितनी बार आया है, अगेन वी आर हैविंग अ फंक्शन फॉर दिस, दैट इज द काउंट फंक्शन। कैसे लिखेंगे, लिस्ट का नाम एल डॉट काउंट और वो एलिमेंट किस में स्टोर है, ई नाम के वेरिएबल में, तो एल डॉट काउंट ई और इस पूरे को हमने एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया विच इज एन। सो एलिमेंट ई अकर्स एन टाइम्स इन द लिस्ट। अब हमने ये एक लिस्ट ली, ठीक है, हमने क्या चेक करना है, थ्री चेक करना है, तो थ्री एक बार हमारा यहाँ पे है, एक बार हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारी लिस्ट में कितनी बार आया, टू टाइम्स, तो आंसर क्या आया, एलिमेंट थ्री अकर्स टू टाइम्स इन द लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब हमें ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस बताना है। तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारी कैसी स्टेटमेंट है, दीज आर द जंप स्टेटमेंट एंड इसके इन दोनों के थ्रू हम प्रोग्राम के बीच में से जंप करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यू में डिफरेंस क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट करंट लूप को टर्मिनेट कर देती है जैसे ये एग्जीक्यूट होती है और नेक्स्ट लूप पे अगर दो लूप हैं, लूप के अंदर लूप है, मान लो एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, और इनर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट है तो आपका कंट्रोल आउटर लूप पे पहुंचेगा और अगर लूप के अंदर लूप नहीं है तो वो मेन पार्ट पे पहुंचेगा। तो इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप एंड पासेस द कंट्रोल ओवर द नेक्स्ट लूप। लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करती है और उसके नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर देती है, ठीक है। कंट्रोल जो है इस केस में उस लूप के बाहर चला जाता है ब्रेक के केस में, लेकिन कंटिन्यू के केस में उस इटरेशन को छोड़ के वो वापस उस लूप में आता है। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम कीवर्ड ब्रेक का यूज़ करते हैं और कंटिन्यू में हम कीवर्ड कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 9 तक। अगर आई मॉडुलस 2 = 0 है तो हमें ब्रेक करना है, नहीं है तो आई को प्रिंट कराना है और फिर लास्ट में मेन में स्टेटमेंट है प्रिंट एंड। तो देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास आया आई की वैल्यू हुई 1, तो 1 modulus 2 = 0 कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो वो ब्रेक स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, सीधा एल्स पे आएगा, 1 को प्रिंट करेगा जो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। आई की नेक्स्ट वैल्यू हुई 2, 2 modulus 2 = 0 कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट पे आया, जैसे ही ब्रेक पे आया वो यहाँ से बाहर चला गया और इसने नीचे क्या प्रिंट कर दिया, एंड, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे एंड, ठीक है। लेकिन इसके बाद वो चलेगा ही नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन वैल्यूज के लिए वो रन ही नहीं करेगा क्योंकि वो बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट से करें तो क्या होगा, आएगी सबसे पहली वैल्यू 1, 1 modulus 2 = 0 कंडीशन इज फॉल्स, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट पे नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, एल्स पे, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पे गया, प्रिंट आई 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू हो गई 2, 2 modulus 2 = 0 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट तो हुई लेकिन
ये इस टू को छोड़ के अब ये नेक्स्ट वैल्यू पे गया विच इज 3। फिर चेक किया 3 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू इक्वल टू 0 है, नहीं है तो एल्स में आया, इसको प्रिंट किया। तो इस तरह से 13579 को इसने प्रिंट किया और उसके बाद सिंपली आपका क्या प्रिंट होगा, एंड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 9 तक ये जाएगा, 9 तक इसने लूप को कंप्लीट किया। लूप खत्म होने के बाद ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट पे आया एंड इट विल प्रिंट एंड। तो हमारे पास कोड दोनों सेम है लेकिन दोनों कोड का डिफरेंस ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट तो जहाँ पे कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट हुई वहीं पे वो लूप को टर्मिनेट कर देगी, जिस लूप के अंदर वो है वहाँ से बाहर आ जाएगी। लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ उस इटरेशन को स्किप कर रहा है लेकिन नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहा है और सेम लूप पे जा रहा है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे स्टूडेंट्स। ये है हमारा 26 क्वेश्चन ए पार्ट। ओके, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है राइट द रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को नेम करने के लिए क्या रूल्स होते हैं? आइडेंटिफायर के रूल्स ये होते हैं कि हम एक कीवर्ड को आइडेंटिफायर के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि कीवर्ड कभी भी हमारा आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू राहुल, तो ये जो है दैट इज़ फाइन, ये नेम जो है ये मेरा आइडेंटिफायर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ ब्रेक इज इक्वल टू 56, तो यहाँ मेरे पास एरर आ गया बिकॉज ब्रेक एक कीवर्ड है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते और हमारा आइडेंटिफायर कितनी भी लेंथ का हो सकता है। दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज विच आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंट वुड यू सेट फॉर चेंजिंग द डिफॉल्ट सेपरेटर और प्रिंटिंग द फॉलोइंग लाइन इन द करंट लाइन। अगर हमें सेपरेटर को चेंज करना है, डिफॉल्ट सेपरेटर को, वैसे तो किससे स्पेस, किससे सेपरेट होते हैं हमारे वर्ड, स्पेस से। तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, सेप। और अगर आपको अपना जो डेटा है वो सेम लाइन में ही लिखवाना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंड। जैसा कि हमने अभी देखा था, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, दिस वन ए बी सी, ये एंड आया था। तो जब क्योंकि ये आया इस वजह से पी क्यू आर वाली जो आउटपुट है वो हमारी सेम लाइन में आई। अगर ये नहीं होता तो ये जो पी क्यू आर की वैल्यूज हैं और ये जो पी क्यू आर लिखा हुआ है कोट्स में, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, और सेपरेटर में आप क्या होता है आपका, जिससे आपने यहाँ पे लिखा हेलो प्रिंट हेलो, एंड यहाँ पे हमने दे दिया सेप इज इक्वल टू हैश, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये तो सिंगल स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं। हेलो के बाद हमने लिख दिया स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ठीक है, नाउ इफ यू प्रिंट दिस वन, इस तरह से। तो इसमें आप जब अलग अलग स्ट्रिंग लेते हैं तो इस तरह से जो सेपरेटर है वो उनके बीच में आ जाता है, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, इस तरह से सेपरेटर है, हम इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसमें कोई भी नहीं देते हैं, कोई भी सेपरेटर नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या लेता है, स्पेस की फॉर्म में लेता है। जैसे कि सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंड आई रिमूव दिस सेपरेटर आर्ग्यूमेंट, तो वॉट विल हैपन, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, इस कॉमा के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 सेज रीराइट द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट यूजिंग फोर लूप. हमारे पास एक कोड गिवन है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइल लूप, हमें इसे फोर लूप में चेंज करना है. अब फोर लूप में तीन चीज़ें चाहिए और व्हाइल लूप में भी तीन चीज़ें होती हैं, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड द गैप. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 100, कंडीशन इज आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बॉडी इज प्रिंट आई, एंड यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, माइनस हो रही है. तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आपका गैप, ये हम एक ही लाइन में रख सकते हैं. तो हमने कहा फॉर आई इन रेंज, कंट्रोल वेरिएबल का नाम आई है, यहाँ से पिकअप कर लेंगे. फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 100 से, ठीक है. और हमने कहा ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ी है यानी कि 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, एंडिंग वैल्यू इज़ -1 और -1 से पहले क्या आएगा, इसमें 0 आएगा एंड गैप इज ऑफ -3. आई इज इक्वल टू आई -3, सो दैट इज़ वाई वी हैव गिवन द गैप हियर -3. फॉर आई इन रेंज 100, -1, -3 ऑनली द बॉडी स्टेटमेंट इज प्रिंट आई, तो सिंपली वी हैव गिवन प्रिंट आई. वेरी इजी. इस तरह से हमने व्हाइल लूप को किसमें कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, फोर लूप, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉर जेड इन रेंज -500 स्टार्टिंग वैल्यू, 500 एंडिंग वैल्यू एंड गैप इज ऑफ 100, प्रिंट जेड. सो वट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जेड, -500. अब यहाँ पे गैप इज ऑफ 100, तो जो भी गैप दिया होता है अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस करना पड़ेगा. तो -500 + 100 इज -400, देन -300, देन -200, देन -100, देन 0, देन 0 + 100 100, 100 + 100 200, 200 + 100 300, 300 + 100 400, 400 + 100 अगर हम करेंगे तो वो एंडिंग वैल्यू पहुंच जाएगी. लेकिन हमें एंडिंग वैल्यू से कम लेना होता है, कितना कम लेना है, 100 का गैप है. तो हमारा आंसर होगा -500 to 400, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिस्ट मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. इसमें हमें क्या करना है, लिस्ट में से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, यानी कि हमें एलिमेंट पता है, हमें उसे डिलीट करना है. तो लिस्ट में से जब भी एलिमेंट को डिलीट करना है और वो एलिमेंट हमें पता हो, वी यूज अ रिमूव फंक्शन. जब एलिमेंट पता हो तो रिमूव फंक्शन, जब पोजीशन पता हो तो पॉप फंक्शन. जैसे कि इसने बोला लिस्ट में से थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो थर्ड एलिमेंट यानी कि उसकी पोजीशन हुई 0, 1, 2, 2 पोजीशन हुई. तो पोजीशन पता है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पॉप फंक्शन. एड एन एलिमेंट इन द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट को ऐड करना है. अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना हो तो इंसर्ट फंक्शन होता है, लेकिन एंड में ऐड करना हो तो या तो अपेंड होगा या फिर आपका क्या होगा, एक्सटेंड फंक्शन, ठीक है. अब नेक्स्ट है और पार्ट, स्टार्ट विद द लिस्ट एल इज इक्वल टू 8, 9, 10. हमारे पास एक लिस्ट है एल जिसकी वैल्यूज है 8, 9, 10. तो अब हमें डू द फॉलोइंग यूजिंग द फंक्शंस, ये काम करना है लिस्ट के ऊपर उसके फंक्शंस की हेल्प से. सेट द सेकेंड एंट्री दैट इज इंडेक्स 1 to 17. लिस्ट की जो सेकंड एंट्री है यानी कि 1 पोजीशन में 17 को इंसर्ट कराना है. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि लिस्ट में जब भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन. तो हमने क्या लिखा, एल डॉट इंसर्ट 1, 17. फिर सॉर्ट करना है लिस्ट को, तो एल डॉट सॉर्ट मतलब नाम आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि क्या गिवन है. फिर रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से फर्स्ट एंट्री को हटाना है. फर्स्ट एंट्री मतलब पोजीशन इज 0, पोजीशन पता है, रिमूव करना है और पोजीशन पता है, तो विच फंक्शन, पॉप फंक्शन. सो एल डॉट पॉप 0, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ठीक है. 11th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू भी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यू विल गेट टू नो द कंसेप्ट्स एंड ऑल्सो एक्सरसाइज हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द NCERT बुक. एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपकी जो PGT कंप्यूटर साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 11th क्लास की NCERT को हम अभी कवर अप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वीडियोस हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं टू गेट द मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th. और इसकी एक्सरसाइज भी हर चैप्टर की हमने साथ साथ सॉल्व की हुई है, ठीक है. बेसिकली द प्रोग्रामिंग पार्ट चैप्टर्स. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट वुड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिटर्न.
हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ स्ट्रिंग। डोंट फाइंड, फाइंड इज अ फंक्शन। क्या फाइंड करना है? WOR 1,6। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजिशन इज गिवन 1 और 6। तो 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से 4 तक हेलो की पोजिशन जाएगी, 0 से 4 तक हमारी हेलो की पोजिशन जाएगी। 5 पे हमारा स्पेस है और 6 पे हमारा W है। तो हमेशा हमें एंडिंग पोजिशन से कम तक लेना है, विच इज़ माई स्पेस। तो क्या हमें H से लेके स्पेस तक कोई वर्ल्ड का W दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जब हमें पर्टिकुलर पोजिशन में या उस स्ट्रिंग में वो नहीं मिलता है, तो फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करके देता है स्टूडेंट्स? -1। ठीक है, देन हेलो वर्ल्ड डॉट इज एल्फा। इज एल्फा फंक्शन विल चेक कि आपकी स्ट्रिंग में सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। वैसे तो दिखने में हमें दिख रहा है कि सारे के सारे कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, लेकिन हमें इसमें स्पेस का भी ध्यान रखना है। हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये हम कंसीडर नहीं कर सकते, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, अगर स्पेस नहीं होता तो आंसर आपका क्या आता? ट्रू। देन हेलो वर्ल्ड डॉट लोअर। इस केस में हम क्या करेंगे? हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर देगा ये फंक्शन। तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपके स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? इट इज अ कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहता है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ टपल स्टोरिंग द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द फिबोनैसी सीरीज। फिबोनैसी सीरीज की पहली 9 टर्म्स को स्टोर कराना है। अब फिबोनैसी सीरीज इस तरह से होती है, पहला और दूसरा नंबर फिक्स होता है 0 और 1, फिर थर्ड नंबर कैसे आएगा? 0 + 1, 1, फिर 1 + 1 कितना हुआ? 2, फिर 1 + 2 कितना हुआ? 3, फिर 2 + 3 कितना हुआ? 5। ऐसे करके जितनी आप टर्म्स देते हो उतने आउटपुट में नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो आपको जितनी भी टर्म्स चाहिए वो पहले आपको यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी। हमने बोल दिया n इज इक्वल टू int input enter द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स हैं वो हम फिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट 0, f इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 1, दैट इज s इज इक्वल टू 1। उनको हमने प्रिंट करा दिया, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एक करेक्टर का स्पेस दिया सेम लाइन में। अब हमें कहाँ से प्रिंट कराना है? 0 और 1 तो हमारे पास आ गया, और ये पोजीशन भी क्या होगी? 0 और 1। नेक्स्ट पोजीशन हमारी होगी 2। 2 से लेके कहाँ तक? नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी दी हैं? 9 दी है। तो इस केस में हम क्या लेंगे? 2 से लेके n तक, यानी कि 2 से लेके 9 तक। ठीक है, तो 9 टर्म्स हैं, तो पोजीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके 8 तक जाएगी। तो 2 से लेके n तक देंगे तो ये लास्ट पोजीशन 8 तक लेगा। ठीक है, अब हमें क्या कराना है? नेक्स्ट इज इक्वल टू f प्लस s। हमने एक वेरिएबल लिया नेक्स्ट, जिसकी वैल्यू हमने ले ली f प्लस s, यानी कि 0 + 1, तो नेक्स्ट की वैल्यू 1 हो गई। इसको हमने प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट हो गया 1, एंड इज इक्वल टू एक करेक्टर का स्पेस दिया, स्पेस आ गया। फिर हमने कहा f की जो वैल्यू है, जो s की वैल्यू है वो f में आ जाए। तो f यहाँ से हम लेते हैं, ये f है, ये s है, ये 0 है, ये 1 है। नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू गई? 0 + 1, 1। अब जो s की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये f में आ जाए, दैट इज ये 1 हो गया। और जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो किस में आ जाए? s में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा f प्लस s, यानी कि 1 + 1 हो गया 2। फिर उसके बाद दोबारा ऐसे करना है, अब ये वाली वैल्यू हमारी इसमें आ जाए, दैट इज 1, और नेक्स्ट की वैल्यू हमारी s में चली जाए, दैट इज 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3। फिर ऐसे करना है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, दिस विल बिकम 5। फिर 3 आ गया और 5 आ गया, दिस विल बिकम 8। तो ऐसे करते करते हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी और हम उन्हें प्रिंट करते जाएंगे। तो 3, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर 8 + 5, 13, 13 + 5, 8 + 5, 13, 13 + 8, आपका कितना हो गया? 21। तो ऐसे करते करते हम लास्ट पोजीशन तक पहुँच जाएंगे और ये हमें इस प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करके दिखा देगा। तो इस तरह से आपने फिबोनैसी सीरीज के प्रोग्राम को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 1, 2, (7). तो दिस इज अ टपल, ये एक सिंगल एलिमेंट है एज अ टपल। 7 से जब इसका एप्लीकेशन होगा तो 7 टाइम्स हमें ये चीज दिखाएगा।
हमें चाहिए 3 से 8 पोजीशन तक। तो 0, अब देखो अगर मैं इसको लूँ तो सभी पोजीशंस पे, कौन कौन सी पोजीशन पे, 7 टाइम्स करना है, तो 0 से 6 पोजीशन बनेगी मेरी, ठीक है। 0 पोजीशन पे भी यही होगा, 1 पे भी यही होगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 के पे भी। मुझे चाहिए 3 से 8, तो 3 पे भी यही होगा, 4 पे भी यही होगा, 5 पे भी यही होगा और 6 पे भी यही होगा, लेकिन 7 पोजीशन तो मेरे पास है ही नहीं। यहाँ पे एंडिंग पोजीशन 8 है, ठीक है, हमें इससे एक पहले तक लेना है विच इज़ स्टिल पोजीशन 7। लेकिन जब जो पोजीशन हमारे पास है ही नहीं वो हम ले ही नहीं सकते, तो लास्ट हम कहाँ तक लेंगे, 6 पोजीशन तक लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टपल कितनी बार आया, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 4। देखो हम इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने कहा, हमने टपल ले लिया टपल 1 के नाम से और हमने कहा 1, 2, दिस इज वी टेकन एज अ सिंगल एलिमेंट टपल, ठीक है, दिस इनटू में 7। सो इफ वी टेक दिस वन एंड वी चेक द वैल्यूज ऑफ द टपल 1, ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि टपल 1 के 3 से 8 पोजिशंस तक हमें चाहिए, तो इस केस में हाउ मेनी दीज आर देयर, 4 हैं, ये 4 वैल्यूज हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसी की हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेन ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, इट विल गिव अस द आंसर एज 4, क्योंकि ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन तक, ठीक है, और 3 से 8 मतलब 3, 4, 5, 6, 7 तो है ही नहीं, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास स्टूडेंट्स, 4 हो गई, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। इससे हमने अब कवर कर लिया सेक्शन नंबर सी, अब पहुंचते हैं सेक्शन नंबर डी के ऊपर। सेक्शन नंबर डी में है हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, इवैल्यूएट एंड जस्टिफाई फॉल्स एंड 23, बीच में कौन सा ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, एंड, आगे है फॉल्स, पीछे है 23, तो एंड का क्या काम होता है, अगर पहला ही हमारा फॉल्स है दैट विल बी द आंसर, पहला ट्रू है तो सेकेंड वाला आंसर होगा। तो इस केस में पहला जो फॉल्स है वो एक बुलियन फॉल्स है, दैट इज वाई दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसमें है नॉट 1 इक्वल टू 1 एंड 0 नॉट इक्वल टू 1, पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, 0 नॉट इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू एंड नॉट ट्रू विल बिकम फॉल्स, वेरी इजी, सो द आंसर हियर विल बी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, इम्पोर्ट स्टेटिस्टिक्स एज ST, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 6, 8, 8, 11, 7, 8, m1 इक्वल्स टू ST डॉट मीन ऑफ v, इसका मीन करना है, तो 6 plus 8, 14, 14 plus 8, 22, 22 plus 11, 33, 33 plus 7, 40 and 40 plus 8, 48, तो मीन का करने का मतलब इनका सम करके जितने एलिमेंट्स हैं उसे डिवाइड करना, सम आया 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6, कितना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 6, 8.0। देन इसका मोड, मोड का मतलब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 8, 8, 8, 3 बार 8 आ रहा है, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स एक एक बार है, तो मोड हो गया इसका 8, m1 में वैल्यू स्टोर हुई 8.0, m2 में वैल्यू स्टोर हुई 8 और m3 में है s2 डॉट, या डॉट है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो 6, 7, 8, 8, 8 एंड 11, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो जब 6 एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर हैं, तो हमें बीच की दो उठानी पड़ेगी, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो इन दोनों को किया हमने ऐड और इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, 8 एट 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8.0, तो S3 में क्या वैल्यू स्टोर होगी स्टूडेंट्स, 8.0। अब प्रिंट क्या कराना है, m1 m2 m3, तो 8.0 8 एंड 8.0, सो दिस विल बी आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरर्स इन द कोड बिलो एंड करेक्ट द कोड, इफ n इक्वल्स टू 0 प्रिंट 0, कोई एरर, नो,
एलिफ एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन, प्रिंट वन, कोई एरर? यस एरर। ये जो कॉलन का साइन है ये यहाँ पे आएगा, कंडीशन के बाद आता है हेयर, ठीक है। हेयर प्रिंट वन, दिस इज फाइन। एलिफ एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू टू, प्रिंट टू, ये ठीक है। फिर इसने कहा एल्स एन इक्वल टू थ्री, प्रिंट थ्री। कभी भी एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती, एल्स के नीचे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट या जो आप कुछ लिखना चाहें वो आएगी। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देनी है तो इसको या तो एलिफ करो, ठीक है, या एलिफ करो, या फिर अगर एल्स देना है तो इस कंडीशन को हटा दो, एल्स प्रिंट थ्री करो, ठीक है। दैट इज योर विश, जो भी आप करना चाहते हैं। इस तरह से आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है और कोड को करेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये पार्ट्स हैं तो पार्ट्स की ऐसे मार्किंग होगी, जैसे सेक्शन डी आपका 4-4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का ए पार्ट हो गया, 2 मार्क्स का बी पार्ट हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप। आपको ये पैटर्न प्रिंट कराना है। ये जो पैटर्न है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में है इस तरह से, और इसमें इवन नंबर्स का एक पैटर्न है, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे कराएंगे, देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि एग्जैक्टली हमें आउटपुट में क्या चाहिए। आपको चाहिए, आपने जो कॉलम्स हैं वो 2 से लेके 8 तक वैल्यूज हैं इसमें, 2, 4, 6, 8। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2। 8 तक चाहिए तो उससे 2 ज़्यादा ले लो, क्योंकि 2 का गैप है, गैप 2 का है तो 2 हो जाएगा गैप। और 8 चाहिए तो 1 बढ़ा के लो, यानी कि इस केस में 2 बढ़ा के लेंगे, दैट इज़ 10। तो हमने जो आई का लूप चलाया, आउटर लूप, वो 2, 10, 2 इस तरह से चला दिया। और उसके अलावा हम जो यहाँ पे लेंगे, दैट इज़ योर जे का जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, वो चलेगा हमारा 2 से ही, लेकिन कैसे चलेगा, आई इंटू 2 तक, यानी कि 2 आई इंटू 2 विल बी 4, और गैप कितने का है, 2 का। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी आई की कितनी है, 2 है, तो जे के लिए भी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 2 होगी, और कहाँ तक जाएगी, 2 इंटू 2, दैट इज़ 4, और गैप कितना रहेगा, 2 का। और फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई, आई इज़ वॉट, 2 ना, तो क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। जब ये लूप ख़त्म हुआ उस केस में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट विल बिकम 4, ठीक है। और फिर नेक्स्ट केस में जे की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 4 से चलेगी, 4 इंटू 2, दैट इज़ 8 तक। यानी कि बेसिकली हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखो, जो हमारी ये है, दैट इज़ हमारे जो रोज़ हैं 2, 4, 6, 8, मैक्सिमम ये 10 तक जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, जो आई का लूप चलाया वो 2 से 10 तक चलाया विद अ गैप ऑफ 2, और हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, जो प्रिंटिंग हमें चाहिए वो कैसे चाहिए, 2, 2 के गैप में चाहिए। पहली लाइन में 2 आए, फिर 4 2 टाइम्स आए, फिर 6 3 टाइम्स आए, फिर 8 2 टाइम्स आए, यानी कि हम उसे क्या कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्टिंग हम आई की वैल्यू से ही करेंगे, लेकिन 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। और फिर हम इसे प्रिंट कराते जाएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई इज़ 2। नेक्स्ट अंदर लूप में गए, आई को 2 से चलाया, कहाँ तक, 4 तक, तो 2 से 4 में एक ही बार चलेगा, क्या प्रिंट हुआ, 2। नेक्स्ट केस में जो हमारी आई की वैल्यू है, दैट विल बिकम 4, अंदर लूप में गए, 4 से लेके कहाँ तक चला, 8 तक, तो एक बार 4 चलेगा, मतलब आई ही प्रिंट होगा, 4 ही प्रिंट होगा, कितनी बार होगा, 4 से 8 में 4, एक बार वैल्यू 4 होगी, एक बार वैल्यू 6 होगी, तो 2 बार लूप चला, दैट इज़ वाई इट विल गिव यू द आंसर एज 2 टाइम्स 4। फिर नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू आपकी 6 हो गई, और 6 इंटू 2, 12, तो लूप किस किस के लिए चलेगा, 6, 8, 10, यानी कि 3 बार लूप चला, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में आपकी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और 8 इंटू 2 हो गया 16, तो लूप कितनी बार चला, 8, 10, 12, 14, 4 बार चला, तो इसके लिए 4 बार आपका 8 आ गया, ठीक है, वैल्यू आई की प्रिंट करानी है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड द स्प्लिट फंक्शन। अब हम आए सेक्शन ई पे, विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर। इसके अंदर आपके पास है 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले है सिमिलैरिटी क्या है दोनों फंक्शंस में, कि दोनों को यूज हम करते हैं स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक स्ट्रिंग होती है उसको अगर सबस्ट्रिंग में डिवाइड करना हो तो वी आर हैविंग विच फंक्शन, बोथ फंक्शंस, पार्टीशन एंड स्प्लिट। लेकिन
पार्टीशन फंक्शन सिर्फ उस आर्ग्यूमेंट के फर्स्ट अकरेंस पे स्प्लिट करता है, लेकिन स्प्लिट फंक्शन हर अकरेंस पे उसको स्प्लिट करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है, इफ़ आई गिव हियर हेलो वर्ल्ड डॉट पार्टीशन, तो व्हाट विल हैपन, हमने पार्टीशन किया सपोज ओ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट टाइम ओ आ रहा है सिर्फ वहाँ पे पार्टीशन होगा। हेलो में ओ आ रहा है तो हेल उससे पहले, फिर ओ, फिर वर्ल्ड। लेकिन यही चीज़ अगर मैं स्प्लिट फंक्शन से करूँ तो ये हर उस अकरेंस पे करेगा जहाँ जहाँ पे आपका ओ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया स्प्लिट, तो इस केस में क्या होगा आपका, देखो हेलो का जो ओ है उससे पहले हेल आ गया, ओ स्प्लिट हो गया, फिर वर्ल्ड में ओ आया तो डब्ल्यू आया, ओ हटा और आर एल डी आ गया, तो दो बार ओ आया तो दो बार इसमें स्प्लिटिंग हुई। अदरवाइज पार्टीशन फंक्शन में ये सिर्फ एक ही बार स्प्लिट कर रहा है, और पार्टीशन फंक्शन का आंसर आपका टपल की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो आपके स्प्लिट फंक्शन का आंसर है दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। सो इट विल स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस, बट स्प्लिट फंक्शन हर अकरेंस पे स्प्लिट करता है। पार्टीशन फंक्शन आपको हमेशा टपल की फॉर्म में आंसर देगा, स्प्लिट फंक्शन आपको लिस्ट की फॉर्म में आंसर देगा। अगर आपने पार्टीशन फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट मेंशन नहीं की, सपोज मैं अगर इसी को दोबारा से ले लूं एंड आई पेस्ट इट हियर और मैं यहां पे ओ ना दूं, तो इट विल शो मी टाइप एरर लाइक दिस। एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट ये लेता है, लेकिन इसमें अगर आप नहीं देते तो ये उसको स्पेस पे पार्टीशन करता है। कैसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेम थिंग लूँ एंड आई टेक द स्प्लिट फंक्शन, दिस वन कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हमने ओ को हटा दिया, तो ये कहाँ पे स्प्लिट कर रहा है, स्पेसेस पे स्प्लिट कर रहा है। हेलो और वर्ल्ड में स्पेस है तो हेलो अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमेशा जो पार्टीशन फंक्शन में आंसर आएगा उसमें जो लेंथ आएगी सबस्ट्रिंग की वो 3 होगी, लेकिन स्प्लिट फंक्शन में लेंथ हमारी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो हमेशा आउटपुट में शो होती है, लेकिन स्प्लिट में शो नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये चेकआउट कर सकते हो कि जो हमने यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन लिया था, ये जो ओ पे हमने पार्टीशन किया था तो ओ दिख रहा है हमें, लेकिन स्प्लिट में जब फंक्शन के थ्रू ओ पे किया तो ना तो ये वाला ओ दिख रहा है ना ये वाला ओ हमें आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीशन एंड द स्प्लिट फंक्शन। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ अपर केस एंड द लोअर केस अल्फाबेट्स। हमें एक स्ट्रिंग यूजर से एंटर करानी है और उसमें हमें अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स को काउंट कराना है। तो स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा ए एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग, काउंट कराने अपर केस और लोअर केस, तो दोनों की वैल्यू हमने 0 ले ली। फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस मतलब जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वेलकम टू पाइथन, तो फॉर आई इन एस तो आई की वैल्यू एक एक करके लेगा, पहले डब्ल्यू फिर ई फिर एल, इस तरह से। अगर वो कैरेक्टर हमारा अल्फाबेट है, हो सकता है ना हम इसमें डिजिट या स्पेशल सिंबल भी डाल दें, तो वो चेक करेगा कि अगर वो अल्फाबेट है तो उस केस में फिर वो चेक करेगा कि अगर वो अल्फाबेट है तो वो अपर केस है या लोअर केस है। अगर वो अपर केस है तो इज अपर फंक्शन से चेक किया, U में प्लस वन हो जाए, और दूसरी कंडीशन है अगर वो लोअर केस में है यूजिंग द इज लोअर फंक्शन, तो हमारे L में एक वैल्यू बढ़ जाए, और लास्ट में हमने दोनों को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया, हमने स्ट्रिंगली वेलकम टू पाइथन, इसमें दो अपर केस कैरेक्टर्स हैं W और P, बाकी जितने भी हैं हमारे लोअर केस हैं वो हमारे 13 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट पे, प्रिडिक्ट द आउटपुट। एक लिस्ट है हमारे पास, हमने कहा लिस्ट 1.इंडेक्स 18 की इंडेक्स बताओ, मतलब पोजीशन बताओ। 18 तो हमारी लिस्ट में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक पोजीशन इसकी 1 है और एक पोजीशन इसकी 5 है, लेकिन इंडेक्स फंक्शन सिर्फ पहली जगह पे जो वो एलिमेंट आ रहा है वो पोजीशन बताएगा, दैट इज़ द पोजीशन 1, ठीक है। फिर हमने कहा लिस्ट 1.काउंट 18, काउंट करो लिस्ट में 18 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, सो द आंसर विल बी 2। फिर हमने कहा लिस्ट 1.अपेंड लिस्ट 1.काउंट 13,
लिस्ट वन में 13 को काउंट करो पहले, 1 2 3, 3 है। अब लिस्ट वन में 3 को अपेंड करा दो, यानी कि ये जो मेरी लिस्ट है इसके एंड में कॉमा करके यहाँ पे 3 आ गया, करा दी। अब इस लिस्ट को प्रिंट कराओ, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, 13 18 11 16 13 18 39 3, 13 18 11 16 13 18, यहाँ आएगा 18 18 13, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस तरह से आएगा। काउंट करा हमने 13 कितने हैं, 1 2 3, फिर हमने इसको लिस्ट में क्या करा दिया, अपेंड करा दिया। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में ऐड करेगा, फिर उसको प्रिंट कराया तो लास्ट में हमारा 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। एक लिस्ट है माई लिस्ट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक, डेल माई लिस्ट 3, एंडिंग पोजिशन नहीं दी हुई यानी कि लास्ट के एलिमेंट तक लेना है, 0 1 2 3, 3 पोजिशन पे वी आर हैविंग 4, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देना है। जब ये सब डिलीट हो गया और फिर माई लिस्ट को प्रिंट किया तो क्या बचा, 1 2 एंड 3, दिस विल बी द आउटपुट। और सेकेंड में हमारे पास अगेन एक लिस्ट है, हमने कहा लिस्ट डॉट अपेंड 50 कॉमा 60, तो हमें पता है कि जब हम अपेंड फंक्शन के अंदर लिस्ट या टपल लेते हैं तो वो एज इट इज़ ही जाता है, तो 10 20 30 40 के बाद 50 60 हमारा एज इट इज़ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ अपेंड के प्लेस पे एक्सटेंड होता ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते, या टपल दे रखा हो तो उसके भी टपल वाले राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते। ठीक है, समझ में आई बात, फाइन। इसके बाद है 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 20, 20 एंड कॉमा 20 के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 20 है सिंपल जो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये तो हमारी क्या है, इट इज़ एन इंटीजर वैल्यू। लेकिन 20 कोमा जो दिया हुआ है, अभी हमने इस बारे में पढ़ा था कि जब भी सिंगल एलिमेंट दिया जाता है टपल का तो कोमा के साथ देते हैं, तो ये टपल का डेटा टाइप है, और लेकिन ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, फिर फाइंड द आउटपुट ऑफ, ये एक्स एक टपल दिया हुआ है, प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, इसकी लेंथ बतानी है। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें, एक तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक टपल है, तो इसकी लेंथ है हमारी 2। ठीक है, फिर बोल रहा है कि x ऑफ 1 ऑफ 0 क्या है, 0 पोजीशन पे देखो ये जो है 1 और 2 और यहाँ पे हमारे पास है 3 और यहाँ पे हमारे पास है 4। ठीक है, दिस वन, ठीक है, तो ये पोजीशन हमारी कौन सी है, 0 पोजीशन, और ये पूरी की पूरी हमारी क्या पोजीशन है, 1 पोजीशन। 1 पे तो हो गया ये पूरा, इसकी भी 0th पोजीशन वो क्या है, दिस 2। ठीक है, सो दिस विल गिव अस द आंसर एज 2। एंड देन उससे पूछा कि क्या 2 इन x है, क्या हमारे x में 2 है, x में 2 तो है लेकिन ये नेस्टेड टपल की फॉर्म में है, तो इसलिए आंसर फॉल्स होगा। अगर ये 2 मेरा ब्रैकेट से बाहर होता तो आंसर ट्रू होता, लेकिन क्योंकि ये नेस्टेड टपल की फॉर्म में है दैट इज़ वाई द आंसर इज़ फॉल्स। या इसने ये पूछा होता कि टपल की फॉर्म में जो 2 है वो x में है तो वो ट्रू होता। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टपल्स एलिमेंट, हमें टपल के एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 2 मैथड है, एक तो हम इसको स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल से कर सकते हैं, इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हमने टपल के एलिमेंट्स को इनपुट कराया और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के साथ हमने मीन फंक्शन लगाया और टपल का नाम दे दिया टी, एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसका एवरेज आ गया। टपल के एलिमेंट्स को इनपुट कराया और मीन फंक्शन लगाया तो डायरेक्ट एवरेज आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट्स को इनपुट कराया, सम फंक्शन से टपल के एलिमेंट्स का सम कर लिया और लेंथ फंक्शन से ये काउंट कर लिया कि टपल में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, एस में सम ले लिया, एल में लेंथ ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, वहाँ से भी इसका आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बस मेन फंक्शन में आंसर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है और आपका जो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर डिवाइड डिवीजन ऑपरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आंसर विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और का इसी का और पार्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग टपल
tuple 1 and tuple 2 and write the answer of the given part. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, टपल वन गिवन है, टपल टू गिवन है. प्रिंट टपल वन डॉट इंडेक्स 45. टपल वन में 45 का इंडेक्स बताना है, 0, 1, 2. सो द आंसर इज 2. टपल वन डॉट काउंट 45. काउंट करो टपल वन में 45 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3. आंसर इज 3. टपल वन प्लस टपल टू को प्रिंट करो, यानी कि दोनों को कॉन्केटिनेट करना है. तो पहले टपल वन के एलिमेंट्स, फिर टू के एलिमेंट्स. ये यहाँ तक 45 तक वन के हो गए, फिर 100, 200 हो गया. ठीक है, देन लेंथ ऑफ टपल टू, कितने एलिमेंट्स हैं टपल टू में, 2 है. आंसर हो गया 2. फिर मैक्स ऑफ टपल वन, टपल वन में कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, 231. फिर मिनिमम कितनी वैल्यू है टपल वन में, दैट इज 1. ठीक है, सो दिस इज हाउ द आउटपुट विल कम. राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स द इंडेक्स एंड प्रिंट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द टपल. एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें टपल के इंडेक्स को यूजर से लेना है और उस पर वैल्यू को प्रिंट कराना है. तो पहले एक टपल भी होना चाहिए हमारे पास. तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टपल को इनपुट कराया, फिर हमने यूजर से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इनपुट करानी है तो इंडेक्स इनपुट कराया, वैल्यू नहीं सॉरी इंडेक्स इनपुट कराया हमने. पहले हमने एक टपल को इनपुट कराया, फिर हमने वो यूजर से इंडेक्स इनपुट कराया जिसकी जिस पोजिशन पर हमें वैल्यू चाहिए. तो आई इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द इंडेक्स. तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट कैसे होगा, मान लो टी नाम का टपल है तो उस पोजीशन पे एलिमेंट कैसे होगा, मान लो आई मेरी पोजीशन है तो ऐसे ही आएगा वो एलिमेंट, ऐसी लिस्ट में आता है, ऐसी टपल में आता है, ऐसी स्ट्रिंग में आता है. ठीक है, तो हमने कहा एलिमेंट एट इंडेक्स आई इज टी ऑफ आई. आउटपुट देखो, टपल लिया, इंडेक्स दे दी 2, 2 पोजिशन पे क्या है 30 है. तो आउटपुट क्या आया, एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज 30. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इसके साथ हमने क्या किया, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया जो कि आपके इस प्रैक्टिस पेपर में थे 1 to 25. आई होप आपको यहाँ से पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता लग गया होगा. ठीक है, एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू. अगर आपको ये अच्छी लगी हो और आपको कंसेप्ट समझ में आए हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. And I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you so much. And please check the links in the description box for the practical explanation of all the chapters with the different parts of the videos. Thank you and have a good day.